पंजाब दे विच वध रहा है टिड्डी दल। टिड्डी दल दे संभावी हमले ते घबराउण दी बजाय सचेत रहण दी लोड़, ये कहना है जिला फतेहगढ़ साहिब दे मुख खेतीबाड़ी अफसर इंद्रपाल सिंह संधू दा। टिड्डी दल दे संभावी हमले दे खतरे नूं देखदे होए श्री अमरीक सिंह संधू वधीक डिप्टी कमिश्नर विकास फतेहगढ़ साहिब दी अगवाई हेठ डॉक्टर इंद्रपाल सिंह संधू मुख खेतीबाड़ी अफसर फतेहगढ़ साहिब दे दिशा निर्देशों हेठ खेतीबाड़ी अते किसान भलाई विभाग वालों पिंड इसरहेल ब्लाक खेड़ा विखे मोक ड्रिल करवाई गई। इस मोक ड्रिल दौरान फायर ब्रिगेड ते ट्रैक्टर ऑपरेटेड स्प्रे पंपा राही बूटियां ते दरख्तां ते स्प्रे करके टिड्डी दल दे बचाव दी विधि संबंधी जानकारी दित्ती गई। इस मौके डॉक्टर संधू ने दस्या कि टिड्डी दल तो घबराउण दी नहीं सिर्फ सचेत होण दी लोड़ है। टिड्डी दल शाम ढले हनेरा पैण ते खेतां विच जां उच्चे दरख्तां ते बैठ जांदा है अते अगले दिन सूरज निकलण समय तक बैठा रहिंदा है। उन्होंने कहा कि इस दी रोकथाम मुहिम विच सरकार दे नाल नाल किसानां दी शमूलियत बहुत जरूरी है। जेकर टिड्डी दल दा हमला हुंदा है तां किसानां वल्लों दिन समय खड़ाक करके पटाके चला के ढोल वजा के पीपे जां भांडे खड़का के उच्ची आवाज़ विच खेतां विच स्पीकरां राहीं शोर मचा के टिड्डी दल नूं फसलां दे बैठण तों रोकिया जावे तां जो इह फसलां दा नुकसान ना कर सके। डॉक्टर संधू ने दस्या कि टिड्डी दल दी शाम समय बैठन उपरांत इस ते कंट्रोल लई उसे समय खेतीबाड़ी विभाग वालों कीड़े मार दवाइयां स्प्रे करन हित मुहिम चलाई जाएगी। उन्होंने किसानों को अपील की कि वह अपने स्प्रे पंपा समेत मुहिम में शामिल होने तैयार रहन अते पानी लई अपने अपने ट्यूबवैलों से प्रबंध करन ताकि कीड़े मार दवाई की स्प्रे करके टिड्डी दल तो बचाव किया जा सके। इस मौके डॉक्टर हरसंगीत सिंह खेती अफसर खेड़ा ब्लॉक, डॉक्टर कुलविंदर सिंह खेती अफसर, डॉक्टर विपिन रामपाल डिप्टी डायरेक्टर KVK खेतीबाड़ी अते वक वक विभाग के अधिकारी ते कर्मचारी अते पिंड दे किसान मौजूद सन। कैमरामैन आकाशदीप दे नाल चंद्र नागपाल की विशेष रिपोर्ट इसरहेल फतेहगढ़ साहिब। अज असी साढ़े जिले फतेहगढ़ साहब के जिहड़ा लोकस्ट अटैक का डर है, जिहड़ा टिड्डी दल का डर हैगा कि वह अटैक कर सकता हैगा, उन्हूं एडवांस दे विच असीं उहदी तैयारी वास्ते एक मॉक ड्रिल रखी हैगी है पिंड इसरहेल। तो साडे जिहड़े चीफ एग्रीकल्चर अफसर हैगे है, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है, पिंड इसरहेल दी पंचायत है, वक् वक् लाइन डिपार्टमेंट्स नूं नाल लिया के असीं लोगों नूं इह दिखाया हैगा भी इह जे अटैक इस तरह का हुंदा हैगा तां उहनूं किस तरह आपां डील करना है, किस तरह की कार्रवाई करनी है। एक मॉक ड्रिल अज कीती गई है। एक तो इन्होंने CD बनाई हुई है जिंदे विच अलग अलग ड्रम या ढोल जिहड़ा शोर हैगा उहनूं असीं स्पीकर दे उत्ते ला के बजा सकते हैं, या फिर जे उह अवेलेबल नहीं हैगी तां अलग अलग तरह के जो कोई पीपे है जां थालियां उहनां नूं खड़का करके ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਸਟ ਹੈਗਾ ਉਹ ਬੈਠੇ ਨਾ ਸੈਟਲ ਨਾ ਹੋਵੇ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲ ਜੇ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਪਰੇਅ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਸਪਰੇਅ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਈ ਹੈਗੀ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਪਰੇਅ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਟੈਕ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਐਡਵਾਂਸ ਤਿਆਰੀ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਮੌਕ ਡਰਿਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇਸਰਹੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ। ਮੰਡੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਭ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਣਯੋਗ DC ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ 'ਚ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ ਕਰਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਐਡਵਾਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਟਿੱਡੀ ਦਲ ਆ ਇਹ ਮਾਰੂ ਥਲ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਤੋਂ ਚੱਲਦਾ ਚੱਲਦਾ ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਲੇ ਬੰਨਿਓ ਇਹ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜਸਥਾਨ 'ਚ ਐਂਟਰ ਹੋਇਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਅਤੇ ਮੈਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਯਕੀਨ ਦਿਵਾਉਂਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਮਰੱਥ ਹਾਂ ਇਹ ਟਿੱਡੀ ਦਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਪਰੇ ਪੰਪ ਦਵਾਈਆਂ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਹੈਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਜੰਗ ਆ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਆ
उत्ते बिना नहीं मतलब जंग जीती जा सकती। तो अज इसराइल दे विच जो अहीं मॉक ड्रिल तजर्बा कीता वा, किसान वीर ने पिंड दे सारे ही जाणिया ने, किसी ने पानी लिया, किसी ने ट्रैक्टर माउंटड स्परे पंपिया, इतने असी जे ड्रम बजा के विखाए आ भी इदा ही उन्होंने इतने पिंड च वड़न तो पहले भजा दिता जाए। फायर ब्रिगेड जिहड़े आ उह साडे जिले दे विच साडे कोल नौ मौजूद ने, तो किसी किस्म की चिंता वाली गल नहीं, सिर्फ सावधान रहना पैना सानू किसी पिंड दे विच आ जाए, किसी किसी शहर के आ जाए, उतों के बछिंदियां नूं, उतों के नागरिकां नूं उस वेले ही पुलिस नूं, प्रशासन नूं, खेतीबाड़ी विभाग नूं, जां जिहड़े साडे संबंधित विभाग आ उन्हां नूं सूचना तुरंत जे दे दित्ती गई तो उहदा समय सिर जिहड़ा वा इहदा कंट्रोल कर लवांगे। जदों चलता एक दे 10 किलोमीटर से भी जाके बह सकता, पहला भी बह सकता और 100-100 किलोमीटर एको वारी उड़ान भी भर सकता वा। तो जे असी ये मान लीए भी राजस्थान च है तो पहुँचने तो कित भी पहुँच सकता, पर अजे इदा कोई खतरे वाली गल ही है, दरख्तों पर भी बहिंदा थले जमीन पर भी बह के कित जरा, क्योंकि खाना इन्हें हरियावल है, पत्ते खाने ने और एडा मतलब खाने यदि समर्था इन्नी आ भी ये वड्डे वड्डे दरख्तों के छिलके भी खा जाता। और फिर यह भी ये पैन घोन की कोई लोड़ नहीं, असी समर्थ हैं जिला फतेहगढ़ साहब का प्रशासन विभाग, किसी किसी कोई 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 माड़ा प्रभाव मनुख से नहीं पाता नहीं जी। वो जी जो एक्शन प्लान पंजाब सरकार ने तैयार किया वा असी वो तहत ही सारा कुछ कर रहे हैं ते करांगे। मैं श्री रंग सिंह इसराइल का वासी हाँ। अज इत्थे जिला प्रशासन वल्लों टिड्डी दल के संबंध के किसानों नूं अवेयर करन दे लई, जागृत करन दे लई एक कैंप लगाया गया है, जिस विच साडे मानयोग ADC साहब, साडे जिले के खेतीबाड़ी अफसर अते होर बहुत ही विभागों तो जिमें कि वन विभाग तो कई डिपार्टमेंट होर भी आए ने, ता कि किसानों नूं अवेयर किया जा सके। जिस तरह कि असीं सारे ही जानते हाँ जिहड़ा टिड्डी दल का हमला है वह अचानक हो सकता है, पर इस दी रोकथाम दे लई सानू बहुत सारे उपाय करने पैंदे ने, जिस तरह कि असी स्प्रे पंप साडे पिंड दे विच भी हैगे ते नाल दी नाल थालियां बजा के जां पीपे बजा के जां एक नवा सिस्टम है भी असी पेन ड्राइव दे विच एक जागरूकता भी उहनूं दे नाल भी टिड्डी दल भज जावे उहदे संबंध विच भी पेन ड्राइवां भी भरियां होईयां ने। पर मैं परमात्मा अगे यही अरदास करदा हाँ कि यह टिड्डी दल का हमला साडे पंजाब विच होना ही नहीं चाहिंदा, तां कि जिहड़े साडे किसान ने पहले बहुत बड़ी मार थले आए हुए ने, तां कि उहनां नूं किसे किस्म का होर नुकसान ना होवे। जिस तरह कि इत्थे मेरे किसान वीरां ने गल कीती है भी जेकर पनीरी ते हमला हो जांदा है तां उसका कोई अल्टरनेट ही नहीं है, सो इस करके असीं चाहुंदे हाँ भी पहली गल तो हमला होवे ही ना, पर दूजी गल जेकर हमला हो जाता साडे सारे ही किसान ने, मैं सिर्फ पिंड इसराइल की गल नहीं करता, जिला फतेहगढ़ साहब की गल करदा भी उन्होंने साडे खेतीबाड़ी विभाग वालों जिला प्रशासन वालों अवेयर किया गया है, ता कि जेकर किसी किस्म का एक हमला हुंदा तां उस हमले नूं उह हमले की रोकथाम की जाए। सो मैं इत्थे सारे ही मीडिया तो भी आए हुए ने, न्यूज़ चैनल वाले आए हुए ने, इस मीडिया का साडे पिंड विच कवरेज करन ते भी मैं उन्हां दा भी पिंड वासियां वल्लों धन्नवाद करदा। मन सिंह लंबड़दार पिंड इसराइल, अज साडे पिंड प्रशासन वल्लों खेतीबाड़ी महकमे वल्लों चीफ साहब ते ADC साहब ते पूरे महकमे दे होर स्टाफ वल्लों इत्थे ना डेमोंस्ट्रेशन लगाई गई है कि अगर टिड्डी दल का हमला हो जाता है जोड़ा कि जोड़ा कि संभावित है क्योंकि राजस्थान के बार्डर पर आ गया, तो अगर वो हमला हो जाता तो वो भी अपना ने तो बचा किमें करना, वो संबंध में उन्होंने अज इतने डेमो करके दिखाया एक ट्रैक्टर वाले पंप नाल भी, फायर ब्रिगेड नाल भी, क्योंकि उच्चे दरख्तों पर बैठ जाता हेठा जमीन पर बह जाता, स्प्रे पंप वगैरह तो होर ढंग दसे पीपे वगैरह खड़का के भी उन्होंने भजाया जा सकता है। असी धन्नवादी हाँ प्रशासन के कि जिन्होंने पहला ही ये बारे गंभीरता दिखाई है कि टिड्डी दल एक जोड़ा है वो बहुत बड़ा नुकसान जिमीदार का कर दिता है, फसलों में चट ही जाता, मेरी जिंदगी दे विच एक बार पहली बार आ चुका है पहला
ये बड़ा खतरनाक है। उसके वास्ते असीं पंजाब सरकार दे भी धन्नवादी हाँ जिन्होंने ये वास्ते प्रशासन अलर्ट करिया ते प्रशासन है जिहड़ा वह भी जिमीदारां नाल संपर्क कर रहा है ये तो बचाव किवें करना। हाँ जी, मैं हरसिंगी सिंह ब्लाक एग्रीकल्चर अफसर ब्लाक खेड़ा। ये जिहड़ा अज असीं मॉक ड्रिल की है टिड्डी दल तो, क्योंकि टिड्डी दल साडे अपने पंजाब दे बहुत नेड़े है। ये जिहड़ा टिड्डी दल है ये दिन वेले उठता ज़्यादातर, इहनू जिथों तक भी हो सके दिन वेले तो इहनू पीपियां खड़का करके नॉइज़ करके इहनू भजाया भजाई जाने गांह गांह तुरे जाने, पर जदों रात हुंदी है उदों ये सैटल हुंदा कितें ना कितें बहिंदा, ते जदों ये बहिंदा है उदों ही इहदे ते जिहड़ी है स्प्रे करनी, क्योंकि रात नूं ये बैठा रहिंदा, इहने रात नूं फूड खाणा हुंदा ते उह उहदे तों उहदे जिहड़ी स्प्रे करके इहनू मार दित्ता। जिहड़ियां इहदियां फीमेल्स है ਉਹ ਥੱਲੇ ਬਹਿੰਦੀਆਂ ਉੱਥੇ ਅਗਲੇਂਗ ਕਰਦੀਆਂ, ਇਹ ਆਪਦੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੀਮੇਲ ਆ ਇਹ ਅਗਲੇਂਗ ਕਰਦੀਆਂ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਯਾਨੀ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਅੱਗ ਆਪਦੇ ਨੱਪ ਦਿੰਦੀਆਂ, ਅਤੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਜਿਹੜਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਆ ਵੈਦਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਅਗਲੇਂਗ ਆ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨਿਕਲਦੇ ਆ ਉਹ 15-20 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਗਾਂਹ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਨਿੰਫ ਅਤੇ ਅਡਲਟ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਇਹਦੀਆਂ ਫੀਮੇਲ ਵੀ ਥੱਲੇ ਵੀ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਰਿਕਮੈਂਡਡ ਪੈਸਟੀਸਾਈਡ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਇਹਦੀਆਂ ਸਪਰੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਗਾਂਹ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਨੈਕਸਟ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਉਹ ਬਣੀ ਨਾ ਸਕੇ। ਸਰ ਸਾਡੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਹੈਗਾ, ਅਗਰ ਬਾਈ ਦੀ ਵੇ ਮਾਰ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਹੈਗਾ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਲਾਂਗੇ? ਸਾਡੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਜਿਹੜੇ ਆ ਕਲੋਰਪੈਰੀਫਾਸ ਜਿਹੜੀ ਦਵਾਈ ਹੈ ਜਾਂ ਦੂਜੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਸਟਾਕ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਲੈ ਲਈ ਹੈ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਡੀਲਰ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਫੋਰਸਲੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜੇ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਹੈ ਇਹ ਲੀਗਲੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਸਾਰੀ ਦਵਾਈ, ਉਹਨੂੰ ਪੇਮੈਂਟ ਬਾਅਦ 'ਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਲਏ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ 9 ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡਾਂ, ਪਾਵਰ ਸਪਰੇਅਰ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਲਿਸਟਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਅਸੀਂ ਬਣਾ ਲਈਆਂ ਵੀ ਕਿੰਨਿਆਂ ਕੋਲ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਊਂਟਡ ਪਾਵਰ ਸਪਰੇਅਰ ਹੈ, ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਸਪਰੇਅ ਕਰਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਪਾਵਰ ਸਪਰੇਅਰ ਦੂਜੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲਿਸਟਾਂ ਬਣ ਗਈਆਂ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੂਰੇ ਹੈ। ਇਹ ਸਰ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਰਾਤ ਨੂੰ ਬੈਠਦਾ, ਤਾਂ ਕਿਆ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਛਿੜਕਾਓ ਕਰਨਾ ਉਹ ਰਾਤ ਨੂੰ ਹੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸਪਰੇਅ ਹੈ ਇਹਦੀ ਰਾਤ ਵੇਲੇ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਬਹਿ ਜਾਂਦਾ ਉੱਡੇ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਨਾ ਸਪਰੇਅ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਕਰਨੀ ਹੈ ਇਹਨੂੰ, ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੈਟਲ ਹੋਣ ਦੇਣਾ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਸਪਰੇਅ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਉਸ ਏਰੀਏ ਦਾ ਯੂਜਲੀ ਇਹ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਬਹਿੰਦਾ, ਬਸ ਉਸ ਏਰੀਏ ਤੋਂ ਗਾਂਹ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਉੱਡਣ ਦੇਣਾ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਇਹਨੂੰ ਨੱਪ ਲੈਣਾ। ਇਸ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਸਿਰਫ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਹਰਿਆਲੀ ਨੂੰ ਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਪਸ਼ੂ ਪੰਛੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਨਾ ਨਾ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਸ਼ੂ ਨੂੰ, ਪੰਛੀ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਜਾਨਵਰ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਇਹ ਹਰਿਆਵਲ ਖਾਂਦਾ ਜੇ ਜ਼ਿਆਦੇ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਹੋਵੇ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਪੱਤੇ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦੇ ਅਤੇ ਈਵਨ ਜਿਹੜੇ ਦਰੱਖਤਾਂ ਦੇ ਤਣੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਤਲਾ ਛਿੱਲ ਵੀ ਇਹ ਖਾ ਸਕਦਾ।